तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज मतलब मैंने कल एक इंटरव्यू दिया था, और वो था पैसिफिक कंपनी, वो जो कि इंटरनेशनल है, 5 वर्किंग डेज है, यानी कि सैटरडे संडे ऑफ है, और वहाँ तुम्हारा भाई सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो वहीं जा रहा हूँ। आज इंडक्शन है, इंडक्शन के लिए बुलाया है कंपनी वालों ने, और जाता हूँ मैं इंडक्शन के लिए, कंप्लीट करके आता हूँ। और ज्वाइनिंग मेरी यानी कि आज ही ज्वाइनिंग डेट है, तो मैं जा रहा हूँ कंपनी, और वहाँ से सारे जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें कंप्लीट करता हूँ। और मैंने बोला था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है गाइज। ठीक है, मैंने सोचा था कि यार रिज़ाइन दे देता हूँ, क्योंकि मुझे कोजेंट में मज़ा ही नहीं आ रहा था। मतलब एक होता ना कि एनवायरमेंट जो आपका दिल कहता है कि यार नहीं यार ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा ये चीज़ में, तो मुझे वाला हिसाब किताब था उसमें, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा था। अब देख लो, इसमें इंटरनेशनल कंपनी है, और थोड़ा सा ये भी सही है, और 5 दिन काम करना है, मेल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, लोचा लफड़ा नहीं है, वर्क फ्रॉम होम भी है और ऑफिस भी है, यानी कि कहीं से भी काम कर लो, तो कितना बढ़िया है। मैंने सही डिसीजन लिया था ना। चलो, और मैं दिखाता हूँ कंपनी सारी चीज़ें, रूबरू हूबरू सारी चीज़ें कराता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। लेट्स गो। शॉर्टकट रास्ता अपनाओ, पैसा और टाइम दोनों बचाओ। निकल गए हम अपने रास्ते, और 1 बजे बुलाया है मैम ने, 12 बज गए हैं, पहुंच जाएंगे आराम से टाइम से। या तारा भाई खुश है आज, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी में बात करने की बात ही अलग है, और काम करने का भी मज़ा ही कुछ अलग है इंटरनेशनल। तो फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूँगा कि हमेशा आप काम वही करें जो क्या है ना, कभी भी इसको मार के, दिल को मार के, मन को मार के कोई काम मत करो, है ना। जिस काम में अच्छा लगे, जो काम, हाँ कभी कभी मजबूरी होती है कि हमें जो पसंद ना हो, जो चीज़ नहीं करना चाहते, वो चीज़ हमें करना पड़ता है। बट अगर जिस काम को आप, इसके जो काम आपको पसंद नहीं है और वो आपके अड़चन बन रही है, और अगर आप उसे छोड़ के आप काम कर सकते हो, रह सकते हो, उसे छोड़ सकते हो, तो ज़रूर छोड़ दो। मैं तो छोड़ दिया, इसलिए आज देखो उससे अच्छी कंपनी मिल गई मुझे। बस पहुँचने वाला हूँ रोड पे, रोड पे पहुँचते के साथ ही ऑटो ले लूँगा मैं, 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। हाय, ये 62 से मैं ऑटो उतर गया, और बस 62 के पास गया, लॉन्ग डिस्टेंस है आज, 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं। बच्चा ही नहीं, और आ जाएंगे फिर बॉन्साइन होगा, बॉन्साइन होंगे 5 मिनट का काम है, सीधा घर भागूंगा फिर मैं मेरे को यहाँ देखूंगी। हाँ भाई, भाई को छोड़ूंगा विजयनगर स्टेशन, और फिर सीधा अपने घर। अरे आ जाओ यार, चलें क्या? ये देखो क्रिसमस के लिए सजावट हो रही है, अभी स्टार्ट ही हुआ है क्रिसमस के लिए। ये हमारे और दोस्त हैं, इनके बैठे हुए हैं, ये पैसिफिक कंपनी। कैसा पानी है? खारा पानी नमक वाला है यहाँ का, यार पूरे नोएडा का ही सीन है ये। अरे हमारे यहाँ की बात ही अलग है मेरे भाई। खाना 5 मिनट का काम ना सारा भाई,
पता नहीं कितनी देर लगाएंगे। मुझे बढ़िया भाई, क्या क्या मैं मगर मुजफ्फरनगर से भाई तो ठीक है, आ जाएंगे मुजफ्फरनगर। काय की फैक्ट्री? बंदूक की फैक्ट्री में ना भाई, कभी कोई मार वार दे, मजाक मजाक में डिचके आओ। फ्रेंड्स क्या काम है उसे कि फूटे हुए शीशे रखने से अशुभ होगा है ना घर। यहाँ देखो इतनी बड़ी कंपनी है ठीक है, शीशा फूटा हुआ, इस कंपनी का तो कुछ भी ना बिगड़ा, बिल्कुल बढ़िया चल रही है, इंटरनेशनल है भाई। सही होगा ट्रेनिंग सब, अब घर को चलता हूँ भाई। ट्रेनिंग वो हो गया, पेपर वर्क हो गया, घर को मिलते हैं, घर पर मिलता हूँ। मुझे टूट टूट कर दूंगा उसे तो मैं यार, टीट टीट हॉर्न बजा दूंगा मैं, पूरी वीडियो टीट चल रही है। मजा आया वैसे यार है, एक घंटे के काम में लगा दिया, चार जी लगा दी, हाँ पाँच छह घंटे लगा। एकदम बल्ले थी, कुछ बताया नहीं पकड़ा जब मुझसे। अरे जब तू हाँ ना, जब नू कह रहे कि भाई अगर मैं तुम लोगों को जिनका पहले होगा उन्हें भेज देता तो एंड वाले न्यू ही बैठे रहते, गैल आयो वो ही लग जाए, इस टाइम ही तो जाम मिला है वैसे मिलेगा, जाते मिलेगा। पर भाई ये जब ज्वाइनिंग वाइनिंग हो जाएगा ना मामला, तब ना मिला जाम बिल्कुल भी। साढ़े घर वालों हमारे तरफ से तो रात में 3 बजे करा लो, 2 बजे करा लो, रोड मिलेगा साफ एकदम। और भाई तुम पहुंचोगे 5 मिनट में घर, आराम से पहुंचोगे, और मैं पहुंच जाऊंगा 15 मिनट में। लेट नाइट व्लॉगिंग वेलकम टू माय चैनल गाइस, ना यू ना कहता मैं वेलकम टू इंग्लिश ना बोलता मैं। त्यागी जी यही हमारे ऐसे हैं, त्यागी जी को दिखा रहे हो, अरे साइड में से ले लो यार, साइड में से तो जल्दी थोड़ा निकल भी लोगे। हाँ बढ़िया, तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने अभी ब्लॉग में देखा, मैं गया हुआ था पैसिफिक कंपनी में और बॉन्ड वगैरह साइन हुए हैं, पेपर वर्क हुए हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं फ्रेंड्स कंपनी के, उसे फॉलो किया गया है और बस सारे सिलेक्शन वगैरह सारी चीज़ें हो गई, और अब हमारे जो HR हैं वो बता देंगे, 1-2 दिन में मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद फिर फ्लोर पर पहुंच जाएंगे, या फिर देखो जो भी कंपनी के रूल्स हैं, अगर वर्क फ्रॉम होम होगा तो वर्क फ्रॉम होम होगा, ऑफिस बुलाएंगे तो ऑफिस। वैसे तो जब इंटरव्यू के टाइम पे उन्होंने बताया था कि 2 दिन शायद वो ट्रेनिंग का बताया था, हाँ कि 2 दिन घर पर होगी, घर से होगी ट्रेनिंग, 3 दिन ऑफिस से होगी, तो यही रहेगा, बाकी ट्रेनिंग के बाद बताया जाएगा कि हमें जो वर्क करना है वो वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है या वर्क फ्रॉम होम करना है। आई माइट बी वर्क फ्रॉम ऑफिस ही रहेगा क्योंकि पैंडेमिक तो गया, कोविड है नहीं, तो वर्क फ्रॉम ऑफिस ही कराएंगे। बाकी अभी तो फ़िलहाल जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पीरियड जो भी रहेंगे, महीना दिन 20 दिन जो भी है, तो वो बताया जाएगा। और हाँ ट्रेनिंग जो होगी वो पेड होगी, ऐसा बहुत सारी कंपनियाँ करती हैं कि अनपेड करती हैं, जैसे 3,000 दे देते हैं, 4,000 रुपये दे देते हैं, तो ऐसा नहीं, जो सैलरी है जिस सैलरी पे आप लगोगे वो सैलरी आपको मतलब कि मिलेगी ट्रेनिंग के ट्रेनिंग पीरियड में भी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो पैसे कुछ कट डिडक्ट करेंगे, आप ट्रेनिंग में हो तो ऐसा कुछ, फुल पैसे मिलेंगे। बाकी बने रहिए, मैं यही बताना चाहूँगा कि कंपनी बहुत अच्छी है, और मैं एटलीस्ट यही चाह रहा था कि मेरी कुछ
ऐसी ही कंपनी में जॉब लग जाए जिसमें मुझे टाइम मिल पाए, मेरे अपने खुद के लिए टाइम मिल पाए, सैटरडे संडे जहाँ पे ऑफ हो, नाइट शिफ्ट हो। तो यही इसी चीज़ की मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था और मैं आखिर में एक साल लग गए मुझे। वो इंग्लिश इतनी थी नहीं, आपको पता है इंटरनेशनल में इंग्लिश चाहिए, लेकिन तो वो लाइक थी नहीं इंटरनेशनल में। मैंने 2 महीने पहले भी करा था, 2 महीने पहले मैंने इंटरव्यू दिया था इसी कंपनी में, सेम मैम को, तो वहाँ पर उस टाइम मैं रिजेक्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम मेरी इतनी इंग्लिश थोड़ी सी कम थी, मतलब कोई रीज़न रहा, कमी होगा यार। देखो इंग्लिश तो ठीक थी, बट ये है कि जो हेजिटेशन से होती है ना, हेजिटेट हो जाते हैं बात करते टाइम, HR सामने है वीडियो कॉल पे, उन्होंने कोई क्वेश्चन कर लिया तो जो बताने का टाइम में जो सारी चीज़ें होती है वो एकदम ब्लैंक, अरे ये क्या हुआ। एक्सपीरियंसड हैं, ऐसी बात नहीं है, आई में कर रखे हैं 10-10 महीना काम करा हुआ, लेकिन वो डोमेस्टिक था, ये इंटरनेशनल है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेते हैं या फिर कुछ बाहर बाहर से कुछ IAS वगैरह, बस ये थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि हाँ यार पता नहीं क्या पूछो, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। और वही चीज़ देखते हैं, एक तो भैया वो देखते हैं कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। हाँ मैं बता देता हूँ कि HR जो मतलब इंटरव्यू टाइम पे होता है आपको थोड़ा हेल्प होगा, सिर्फ और सिर्फ देखो आपके रूल्स, ग्रामर, सारी चीज़ें इतना मैटर नहीं करता जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। आप सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देते टाइम पे अपने चेहरे पे स्माइल रखो, सबसे पहला चीज़। उन्हें बिल्कुल भी नर्वस ऐसा ना हो कि आप उन्हें दिख रहे हो कि आप नर्वस हो रहे हैं, होना ही नहीं है बिल्कुल भी। फेस पे स्माइल, और मैंने क्या कहा था, हाँ फेस पे स्माइल। और वो जब दूसरे से पूछते हैं सारी चीज़ें, जैसे क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हैं, तो आप थोड़ा स्माइल के पास करो, थोड़े से अच्छे एक वे ऑफ टॉकिंग होता है वो। और ज़्यादा इंटरव्यू देते टाइम ये वो ऐसा ऐसा कुछ भी मत करो, डायरेक्ट कुछ भी बोल दो। या जैसे कि किसी चीज़ के ऊपर बोल दिया, मान लो मेमोरेबल डे ही पूछ लिया। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे कि मेमोरेबल डे हो गया, ठीक है, विच इज़ योर मेमोरेबल डे, विच इज़ योर फेवरेट प्लेस, प्लीज प्लेस, हाँ बोलना आता है यार, ऐसी बात नहीं थोड़ा बहुत तो है ना। और कोविड वगैरह के बारे में पूछ लेंगे, कुछ चीज़ें होती हैं चार चार। देखो इंग्लिश हर कोई ज़्यादातर बोल लेता ही है हमारे लोग उसमें, लेकिन ये ना कुछ चीज़ें मतलब प्रिपेयर कर लो तो आप उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इलैबोरेट कर सकते हो, है ना। तो वही वाला सीन होता है, पता सब चीज़ होती है, लेकिन जब एट अ टाइम कोई पूछता है ना, तो उस टाइम हमसे अच्छे तरीके से इलैबोरेट नहीं हो पाता है कि भाई उसे बताना कैसा है, ब्रीफली कैसे बताना है, सही से कैसे बताना है। तो वो चीज़ पहले प्रिपेयर कर लो, बाकी तो मुझे मज़ा आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे जन्नत मिल गई। अब मैं अपना पूरा पावर काम की तरफ, ठीक है, और अपने वीडियो की तरफ, दोनों तरफ, यानी कि जॉब भी मैं बिल्कुल ईमानदारी से करूँगा और वीडियो भी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए, मैं आपको अपडेट सारी चीज़ें देता रहूँगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा डेली रूटीन वाला व्लॉग अपलोड होता रहेगा, हाँ मैं रोज़ नहीं कर पाता, किसी दिन मैं रोज़ कर देता हूँ, जैसे आज कर दिया कल कर दिया, नहीं तो फिर एक दिन का गैप लग जाता है कि मेरे को क्या करना है, क्या पोस्ट करना है, कभी कई बार तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में।